हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड डायरीज बाय निशा। एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अमृतसर की स्पेशल शाही पनीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून बेसन लिया है, जिसे मैंने भून लिया था। इसके साथ ही मैंने इसमें 1/4 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है भुना हुआ। उसके साथ ही मैंने इसमें सोल्ट एज पर टेस्ट, चाट मसाला 1/2 टेबलस्पून एंड 1/2 टेबलस्पून ही गर्म मसाला ऐड किया है। उसके बाद इसमें मैंने 1/2 कप दही ऐड किया है एंड 1/4 कप मिल्क ऐड किया है। इसे ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है एंड इसके बाद मैंने यहाँ 4 टेबलस्पून ऑयल को अच्छे से होट करके उसे इसमें ऐड किया है। इसे ऐड करने के बाद इसे मिक्स करना है एंड उसके बाद मैं इसे साइड में रख रही हूँ। तो अब मैं तड़का रेडी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून ऑयल एंड 1 टेबलस्पून बटर लिया है। इसमें मैंने 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड किया है। इसे भूनने के बाद मैं इसमें अनियन ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ 1 कप अनियन लिए हैं, जिन्हें मैंने स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है। इसे अच्छे से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसके बाद मैंने इसमें 4 ग्रीन चिली कट करके ऐड की हैं एंड उसके साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसे ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसे चलाते हुए पकाना है एंड इसके बाद मैं इसमें टमाटोज़ ऐड करूँगी। तो मैंने टमाटोज़ भी 1 कप ही लिए हैं, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। इसे ऐड करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए कुक करना है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड कर रही हूँ। उसके साथ ही मैंने हल्का सा सोल्ट लिया है, जिससे ये अनियन एंड टमाटो अच्छे से कुक हो जाएगा। तो 5 से 6 मिनट के लिए इसे अच्छे से पकाना है एंड इसके बाद मैं इसमें ये रेडी किया हुआ मसाला ऐड कर रही हूँ। एंड इसे ऐड करने के बाद मैं इसमें 1/4 कप वाटर ऐड करूँगी एंड उसे ऐड करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। फुल फ्लेम पर रख सकते हैं आप। तो जैसे ही वो वाटर ड्राई हो जाए एंड उसके बाद मैं इसके अंदर पनीर ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ 200 ग्राम्स पनीर लिया है, जिसे मैंने क्रश कर लिया है। अब मैं इसे इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मसाले में और इसे अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए और कुक करना है एंड उसके बाद मैं इसमें कोरिएंडर ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ 1/2 कप कोरिएंडर लिया है, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। कोरिएंडर से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, आप इसे ज़रूर ऐड करना। एंड अब ये रेडी हो गया है, मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ एंड इसके साथ ही मैं इसमें 1/2 लेमन ऐड करूँगी, तो उससे काफ़ी अच्छा खट्टा फ्लेवर आएगा। तो ये शाही पनीर रेडी हो गया है, आप ज़रूर इसे ट्राई करना एंड अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।